हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मनीषा है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेकअप विद मनीषा में। मैं यूट्यूब पे बिल्कुल नई हूँ और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं कोशिश करूँगी आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यूज़ किया है गुड वाइब्स का एवोकाडो टोनर। टोनर फेस के लिए अच्छा होता है, पीएच बैलेंस मेंटेन करता है और आपके फेस को हाइड्रेट करता है। मैंने यहाँ टोनर यूज़ कर लिया है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का रोज़ हिप सीरम। सीरम भी फेस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आप चाहें तो आप इसे डेली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मेरा फर्स्ट वीडियो है, मुझे और यूट्यूबर के जैसे जल्दी जल्दी बातें करने नहीं आती। मैं कोशिश करती हूँ कर बोलने की, लेकिन शायद मेरे से अभी नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे मैं कर लूँगी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर। प्राइमर अगर आप फ्लॉलेस मेकअप पीस अच्छा क्रिएट करना चाहते हो, प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है। प्राइमर से आपका ओपन पोर्स जो है क्लोज हो जाता है और आपका मेकअप पीस लॉन्ग लास्टिंग स्टे करता है। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है प्राइमर और अब यूज़ करूँगी मैं NYX का कंसीलर। आप यहाँ अपने पसंद से कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हैं अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग। धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी सारी डिटेलिंग अपने डिस्क्रिप्शन में डालने की, क्योंकि मैंने ये सारा प्रोडक्ट दुकान से जाके लिया है, इसलिए मैं इसकी परचेज लिंक प्रोवाइड नहीं कर सकती। हाँ, डिटेल ज़रूर दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना मैंने क्या क्या यूज़ किया है। इसे मैंने फिंगर से ब्लेंड करने के बाद स्पंज ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया और अब मैं इसे फिट मी कॉम्पैक्ट से इसको सेट कर रही हूँ ताकि ये फिक्स हो जाए। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ आई शैडो पैलेट में से ये लाइट ऑरेंज शेड। इसे मैं अपने क्रीज पे अप्लाई करूँगी ताकि मेरा आई निक का जो मेकअप है वो निखर के आए। आप कोई भी मेकअप करो, सबसे पहले लाइट शेड लेके अपने ट्रांजिशन को डिफ़ाइन करें। उसके बाद मैंने लिया है पिंक शेड। पिंक शेड से भी मैंने अपने क्रीज पे अप्लाई किया है और लिड भी थोड़ी आई लिड पे भी अप्लाई की हूँ। इसे मैं पूरे अपने आईज़ पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब जितना अच्छा ब्लेंड करोगे रिज़ल्ट उतना अच्छा आएगा आपके आई मेकअप में। इसके बाद मैं ये सिमरी ब्लू शेड ले रही हूँ। जैसे कि मेरे ड्रेस में लिड भी ब्लू कलर है तो मैंने सिमरी ब्लू कलर लिया है। इसे मैं अपने आईलिड सेंटर पे अप्लाई कर रही हूँ। फिंगर से सिमरी शेड काफ़ी अच्छे से अप्लाई हो जाता है, इसलिए मैं फिंगर का यूज़ कर रही हूँ और इसे मैंने अपने दोनों आई पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। मैं कोशिश करती हूँ कि धीरे धीरे अपने वीडियो के क्वालिटी को इम्प्रूव करूँ। मैंने आई शेडो लगा के अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कनाडा का लाइनर। मेरे पास जो अवेलेबल है मैं वही यूज़ कर रही हूँ और अब ये मैं मार्स का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं फेसेस कनाडा का ही काजल यूज़ कर रही हूँ जिसे मैं अपने लोअर लैश लाइन और अपर आई लिड पे भी अप्लाई कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि मैंने जस्ट अभी अभी यूट्यूब ज्वाइन किया है, इसलिए मेरे पास ज़्यादा थाम जाम नहीं है। मेरे पास सिंपल मेरा स्मार्टफोन है जिसे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। अभी मैं एक मेकअप ब्रश की हेल्प से ब्लैक आई शेडो को लेके अपने काजल के नीचे स्मच कर रही हूँ। उसके बाद मैंने लिट बिट पिंक शेड लेके स्मच किया और थोड़ा सा मैंने ग्लिटरी ब्लू आई शेडो उसको भी लेके अपने आईज़ के नीचे स्मच कर ली हूँ। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन। ये मेरे स्किन टोन के साथ मैच होता है। आप भी आप अपने स्किन टोन को मैचिंग करके ले सकते हैं या फिर आपको जो भी ब्रांड का फाउंडेशन सूट करता है आप वो यूज कर सकते हैं।
मैंने इसे अपनी फिंगर से अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है। अब मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी। आप जितने अच्छे से अपने फाउंडेशन बेस को सेट करेंगे, ब्लेंड करेंगे, उतना अच्छा आपका मेकअप निखर के आएगा, उतना नेचुरल लगेगा। अगर आप लगा के सीधे छोड़ दीजिएगा तो वो दिखेगा कि आपने क्या क्या अप्लाई किया है। इसलिए हर चीज़ को परफेक्टली ब्लेंड होना ज़रूरी है। फाउंडेशन हो, आई शेडो हो, जो भी हो, मेकअप का सारा खेल ब्लेंडिंग पे ही है। जितने अच्छे से आप ब्लेंड करिए उतना नेचुरल, उतना अच्छा मेकअप लगेगा आपका। यू नो, मैंने अच्छे से अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लिया है। अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो अपने नेक एरिया को ज़रूर अपने फेस के साथ अटैच करके मेकअप करें, नहीं तो आपका फेस अलग और नेक अलग दिखेगा, दोनों का कलर दो जैसा हो जाएगा। अब मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर आईज़ के नीचे, फोरहेड, नोज़, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि हाँ हाइलाइटेड की ज़रूरत है वहाँ वहाँ। नॉर्मली जहाँ जहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ वहाँ वहाँ तो मस्ट है करना, आप लोग भी ऐसे करिए तो अच्छे से मेकअप लुक उभर के आएगा। मुझे और यूट्यूबर के जैसे बात करने में नहीं हो रही है, जल्दी जल्दी मैं नहीं बोल पा रही हूँ, सो इसके लिए सॉरी, मुझे अभी आदत नहीं है फटाफट बोलने की, इसलिए मैं सोच समझ के बोल रही हूँ। अभी मैं अपना आईब्रो फिल कर रही हूँ। मेरे पास आईब्रो फिल के लिए आईब्रो पेंसिल है, बट मैं यहाँ ब्लैक आई शैडो को ही पिक करके अपना आईब्रो फिल कर ले रही हूँ। हालांकि मेरे आईब्रो बहुत हैं और ब्लैक भी है, ज़्यादा सेट करने की ज़रूरत नहीं होती मुझे। अब मैं अपने पूरे फेस को सेट कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे ब्लश और कंटूरिंग भी लिट बिट कर ली है। पूरे फेस को मैं अच्छे से सेट कर ली। आई लैसेस लगाने के बाद मैं मस्कारा लगा रही हूँ और उसको फिर से लैसेस लगाने के बाद लाइनर, और फाइनली मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है। ये मेरा फाइनल लुक है। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ 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 लाइक कीजिए और फिर मिलती हूँ मैं एक नए वीडियो में नए मेकअप लुक के साथ। तब तक कीप सपोर्टिंग। बाय 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 ऑल।